नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ maxinstore.in साइट के बारे में। यहाँ पे अगर आप कुछ परचेज करते हो तो कैसा प्रोडक्ट होने वाला है, कैसे आपको रिफंड करेगा, कैसे आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, ये रियल है या फेक है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं इस साइट पे आ गया हूँ दोस्तों, और कुछ इस टाइप से इस साइट का जो है लुक है, होम पेज जो है कुछ इस टाइप से है इस साइट का। ओके, अब बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माउंटेन बाइसाइकिल है, बैटरी वाला बाइसाइकिल है और बहुत ही मस्त क्वालिटी का बाइसाइकिल यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो मैं एक प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साइकिल, बहुत ही मस्त क्वालिटी का साइकिल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके प्राइस की बात करें तो मैं आपको इसको प्राइस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसका प्राइस है 2789 रुपया है, बहुत ही कम प्राइस है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का साइकिल है। तो आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बात कर लें, पहले आपको इस वेबसाइट के बारे में अच्छे से बता दूँ। ओके दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं ये साइकिल के बारे में, दूसरे साइकिल के बारे में। और यहाँ पे पहले इसके कॉन्टैक्ट के बारे में बात करते हैं और रिफंड पॉलिसी के बारे में। तो ये जो रिफंड पॉलिसी यहाँ पे दिखाया जाता है, ऑर्डर कैंसिलेशन दिखाया जाता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा से नहीं दिखाया गया है कि भाई इतना दिन में ऑर्डर कैंसिल करना है, इतना दिन में ये सब करना है, कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाया गया है। अब बात करते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस का, तो रिटर्न पॉलिसी में भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सब वेबसाइट पे ऐसे ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं, तो मैं आपको मुद्दा पे आता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये जो साइट है ये एक फेक साइट है। अगर आप ऑर्डर कर दिए हो तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता दूँ। रिफंड ऐसे मिलेगा कि दोस्तों कि आपको क्या करना है, आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बैंक RBI के रूल्स के अनुसार आपके साथ अगर फ्रॉड होता है ऑनलाइन तो आपको आपका हेल्प करेगा आपके बैंक वाला, जैसे भी आप पेमेंट किए हो वो बैंक वाला आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो आप अपने बैंक वाले से कॉन्टैक्ट जरूर करो, अगर बगल में आपका बैंक का ब्रांच व्रांच है तो आप वहाँ पे जाके बैंक वाले को सब कुछ बता सकते हो, बैंक वाला आपका हेल्प जरूर करेगा। और consumercomplaints.com नाम का .in या .com नाम का एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, आप वहाँ पे अपने मोबाइल से ही कंप्लेन कर सकते हैं बिना कोई सरदर्दी का, और आपका पैसे मिलने का, रिफंड होने का ज़्यादा सा चांस हो जाता है। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो को शेयर करते हो या इस टाइप के फ्रॉड के बारे में किसी को नहीं पता है, और आप वीडियो को शेयर करते हो तो क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली को पता चलता है और आप लोगों को सावधान कर देते हो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।